मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अनुपस्थिति में उन्हीं के निर्देश पर सोमवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय के प्रभारी मोतीलाल सिंह के नेतृत्व में जनता दरबार लगाया गया, जिसमें जिलाधिकारी के विजयन पांडियन, एसएसपी डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। गौरतलब है कि सीएम योगी 18 अगस्त को गोरखपुर के विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने गोरखपुर आए थे, जहां उन्हें गोरखनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम था और दूसरे दिन 19 अगस्त को मंदिर में ही जनता दरबार का प्रोग्राम था। लेकिन आवश्यक कारणों से 18 अगस्त को देर शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के लिए रवाना हो गए। रवाना होने से पूर्व उन्होंने गोरखपुर के जिलाधिकारी के विजयन पांडेन और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता को निर्देश दिया कि कल प्रातःकाल 8:30 बजे गोरखनाथ मंदिर कैंप कार्यालय पहुंचकर जनता की समस्याओं को सुनेंगे और उन्हें त्वरित कार्रवाई करने के संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी देंगे। इसी के मद्देनजर निर्धारित समय पर जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखनाथ मंदिर स्थित कैंप कार्यालय के प्रभारी मोतीलाल सिंह, एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव के साथ जनता की समस्याओं को सुनते हुए उसके निस्तारण के निर्देश दिए। इसके अलावा जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने गोरखनाथ मंदिर कार्यालय के सचिव द्वारका तिवारी के साथ गोरखनाथ मंदिर के मुख्य गेट पर पहुंचकर सुरक्षा उपकरण लगाने के लिए उचित दिशा निर्देश दिए। डीएम ने बताया कि मुख्य गेट पर सुरक्षा उपकरण आवश्यक है, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के अलावा फरियादी भी आते हैं जो अपने साथ सामान भी लाते हैं, जिसका वर्तमान में मैनुअल जांच मुख्य गेट पर होता है और उसमें भी समय लगता है। इसी को देखते हुए एक्सरे स्कैनर लगाया जाएगा, जिससे कम समय में गोरखनाथ मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं और फरियादियों के सामान की जांच हो सकेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखनाथ स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय के प्रभारी मोतीलाल सिंह ने कहा, परसों आ जाना भाई, परसों आ जाना। कल तो पेंशन दिवस में भीड़ रहता है। राजेश, इनके डिटेल नोट करो, उनको ब्याज माफी का। ये कागज़ बहुत सारा है।
बता दी, 3 महीना बाद ना वो मोबाइल पे लोग कॉन्टेक्ट करेंगे आपसे, कॉन्टेक्ट करें जल्दी। हाँ, जनता दरबार मेरे और जिलाधिकारी महोदय गोरखपुर और एसपी साहब भी आए थे और उन्होंने भी सुना है पब्लिक को, तो लगभग जो है 300 प्रार्थना पत्र करीब आ चुके हैं, अभी और लोग आ रहे हैं और उनको बारी बारी से उनकी प्रार्थना पत्र को देखते हुए अपेक्षित कार्रवाई की जा रही है।